अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, हमारी ज़िंदगियों में एक और आइटम पेश हो चुकी है जिसका नाम है सिड रैपर। और ये, अरे यार, ये रैपर किसने फेंका इधर? बेटा, कितनी दफ़ा कहा है कि इस रैपर को बिन में फेंका करो, वेयर इट बिलोंग्स, वरना ये हमारी सोसाइटी को गंदा कर देगी। बच्चे नादान हैं, लेकिन आप नादान ना बने। अरे भाई, मुझे तो समझ नहीं लगती कि यहाँ पे एक नमूना खत्म होता है और दूसरा आटा पकता है। खैर, आइए सबसे पहले देखते हैं कि नसरीन मैडम का क्या ख्याल है इनके बारे में। नसरीन? हाँ जी। हकीक लाई जानी है, पूरा हफ्ता हो गया टट्टी नहीं आई। हैला सच्ची? एक मिनट, ए देखो, आ गई आ गई। कदी कदी ना टट्टी नू वेख के टट्टी आ जांदी है। सॉरी, वो मुझे भी देख के वो आ गई थी। खैर, हगने से याद आया, कहते हैं कि किसी को भी इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, तो आइए मिलके देखते हैं इनका कंटेंट। सिड यार, वीडियो वायरल नहीं हो रही यार। कि टिकटॉक ने नया फिल्टर दे दिया जहाज का, तुम लोग क्यों नहीं यूज करते? तुम नहीं चाहते तुम्हारी वीडियो 5 मिलियन पे जाए, 10 मिलियन पे जाए? फिल्टर यूज करो तो आपकी वीडियो पक्का मिलियन में। एक गोल हो गया भाई, जो वीडियो बना रहा है उसकी वीडियो मिलियन में जा रही है, कि आप लोगों की वीडियो भी मिलियन में जाए, फौरन से यूज करें। तो ये फिल्टर यूज करता है, उसकी वीडियो मिलियंस में जाती है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के, पब्लिक पागल नहीं है? इमोशनल हो गया हूं, ये इतना प्यारा कॉन्टेंट कहां से लाते है? दुनिया में कहीं भी टिकटॉक खोल लें, आपको हमेशा टैलेंट देखने को मिलेगा, एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और इन लुमड़ियों की वजह से हमारा पाकिस्तान टिकटॉक जो है वो गन से भरा हुआ है, और जो असल टैलेंट होता है वो पीछे रह जाता है। अगर लोगों को फुद्दू बनाना कंटेंट कहते हैं तो भाईजान इन्हें वापस ले आए, क्योंकि कम से कम किसी को आईफोन तो मिलता था, मेहनत भी लगती थी। अब आप सोच रहे होंगे, राहें भाई, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस आम की गुठली के ऊपर एक वीडियो बनानी पड़ गई? कहते हैं कि कीचड़ के ऊपर पत्थर मारोगे तो उसके गंदे छींटे आपके ऊपर ही गिरेंगे। आई नो इट्स माई बैड, लेकिन अब कीचड़ कीचड़ हो ही गया है, तो आइए शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या है। इस बग्स बनी को आफत आ गई जब किसी ने मुझसे सवाल किया कि आपका नापसंदीदा टिकटॉकर कौन है। मैंने अपना ओपिनियन दिया और मैंने कहा कि ये जो चुचुंदरी है ये आवाम को पागल बनाती है, और इसके पिछवाड़े में आग लग गई और इसने मेरे ऊपर एक वीडियो डाल दी। I don't know रहीम परदेसी को क्या उंगल हुई है, तुम्हें बेटा मेरी आर्मी का पता नहीं। मैम, I don't know कौन है ये लोग? कोई कुत्ता? और उसके बाद फिर मुझे एक वीडियो डालनी पड़ेगी इस लुमड़ी के ऊपर कि भाई ये मेरा ओपिनियन था, डोंट टेक इट पर्सनल। लेकिन ये भाई साहब पर्सनल ले गए। और रहीम परदेसी ओ औरत नुमा कभी कभी मर्द, टिकटॉक ते फेम हासिल करने वास्ते मेरा नाम ना लो, तुम मेरा पुत्र यूट्यूब ते जाओ। अच्छा, अब मुझे नहीं पता था ये टिकटॉक जो है इसके फूफे का है, वरना मेरी क्या जरूरत। और मुझे तो बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़े स्टार हैं, कि निंजा टर्टल्स के हर मूवी में मास्टर जी का रोल अदा करते हैं। और उसके बाद तो इसने मुझे चैलेंज किया बॉक्सिंग मैच के लिए, मैं तो इसकी बॉक्सिंग वीडियो देख के घबरा गया। और इस गोबर दे वाला वाले कौन समझाए कि पंचिंग बैग है, वापस नहीं मारदा, लेकिन मैं जरूर मारना वहां। बहरहाल डर के मारे मैंने तो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं किया, और एक दिन मैं अपनी टिकटॉक लाइव पे बैठा और ये आके टपक पड़ा। ये आया तो था मेरे साथ लेने पंगा, लेकिन हो गया बेचारा नंगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू देसी गबरू भाई। जब लाइव आता हूं सॉफ्टवेयर अपडेट करके जाता हूं, पहली पनिशमेंट रोड ते जाके 150 दफा फिर स्टैंड करना, 150 दफा। पब्लिक नु पता चलना चाहिए कोई पनिशमेंट हो। रुको जरा, Three columns of soap on my butt through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm अब इतना जलील होने के बाद कोई भी अकलमंद टिकटॉक से गायब हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसने साबित कर दिया कि ये कुत्ते की पूछ है। और ये वापस आया 2 दिन बाद मेरी लाइव ब्रॉड पे, और वो भी प्लानिंग के साथ, बंदे शंदे इकट्ठे करके, अपने गिफ्टरों को मिनते करके, गिफ्टर भाई प्लीज हेल्प मी, रहीम परदेसी ने बहुत मारा मुझे, बहुत मारा, मैं कुछ भी करूँगा। टिकटॉक ने नया फिल्टर दिया है कि आप अपनी स्माइल देख सकते हैं किस एनिमल से मिलती है।
अब ये ना सोचना कि ये कोई रोस्टिंग वीडियो है, क्योंकि जहां तेरी रोस्टिंग खत्म होती है वहां मेरी शुरू होती है। तो दुआ करी यार नौबत ना ही आए तो चंगा तेरे लिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे दो अखरोट मेरे हमेशा नीचे लटके होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो फिर भी काम आए थे। तू किसी काम का नहीं है। अब ये बहुत जल्द गाने वाला है परदेसी परदेसी आना नहीं, क्योंकि अब हम सब ने मिलके इस सिड शापर का करना है चैप्टर क्लोज। दिस फ्राइडे रात 9 बजे यूएई टाइम, रात 10 बजे पाकिस्तान टाइम और शाम 6 बजे यूके टाइम, वन एंड डन फाइनल मैच। जो हारेगा वो अपना मुंह काला करके सबके सामने माफिया मांगेगा और तू अपना नाम सिड रैपर से सिड शापर करेगा। अगर सब अग्री करते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में सिड शापर लिख दें और हम आपको मिलते हैं Friday. Run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted.